1991 से 2016 इन 25 सालों में देश ने हर मायने में तरक्की की है, लेकिन तरक्की की बुनियाद रखना क्या इतना आसान था? और वो कौन से हालात थे जब देश को मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी ने उबारा? दरअसल साल 1991 का जून महीना आते आते देश के पास महज 100 करोड़ डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रह गया था। इसे सिर्फ 3 हफ्ते तक विदेशों से इंपोर्ट किया जा सकता था। देश की ऐसी दयनीय हालत तब हो गई थी जब 1991 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्जा दिया था, यानी भारत को डिफॉल्टर देश का तमगा बस मिलने ही वाला था। इससे पहले वित्तीय वर्ष 1991 के आखिर में चंद्रशेखर सरकार को देश का सोना बेचना पड़ा। मई 1991 में 24 करोड़ डॉलर के लिए 20 टन सोना विमान में लादकर ज्यूरिख पहुंचा दिया गया। जुलाई में और 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया गया। फिर सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए 60 करोड़ डॉलर का इमरजेंसी फंड बनाया ताकि गिरवी रखे गए सोने को छुड़ाया जा सके। जाहिर है हालात बदतर थे। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत पतली थी, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई तरकीब निकाली। ये तरकीब थी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख दी। तब से लेकर 25 साल बीत चुके हैं। कृषि सेक्टर से लेकर उद्योग तक, सड़क से लेकर प्लेन तक, देश बदल चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई इन सुधारों का असर जनता के उस हिस्से तक पहुंच रहा है जिसे इसकी सबसे बड़ी जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 25 सालों में आखिर कितना बदला हिंदुस्तान? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 25 साल पहले यानी 1991 में देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी पतली थी कि देश कर्ज नहीं चुकाने वाला देश यानी डिफॉल्टर घोषित होने वाला था। लेकिन तभी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने करिश्मा किया और हालात धीरे धीरे ही सही बदलने लगे। फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या आज की नरेंद्र मोदी सरकार, सबने अर्थव्यवस्था के लिए खुलेपन की नीति अपनाई, जिसका असर दिख भी रहा है। लेकिन आज हम सवाल सिर्फ सियासत का नहीं करेंगे, पार्टी लाइन से ऊपर आज इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि क्या वाकई बीते 25 सालों में सरकारों ने वो सब किया जिसकी जरूरत देश को थी या है। सवाल ये भी है कि क्या इन 25 सालों में विकास का हिस्सा उन लोगों तक पहुंचा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज यही है हमारा मुद्दा, 25 सालों में कितना बदला हिंदुस्तान। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं 25 साल पहले क्या था और आज क्या है। आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कितना बदला है हिंदुस्तान। मेरे साथ देखिए, इस वक्त आपको आंकड़े में दिखा रहा हूं, जीडीपी ग्रोथ देखिए। 1991 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट था 1.1%, आज जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.6%। तो ये आप अंदाजा लगाइए भारत कितना आगे बढ़ा है। सेंसेक्स देखें, अगर एक पैमाना सेंसेक्स माने तो 1991 में सेंसेक्स 1486 के लेवल पर था, आज सेंसेक्स 27915 के लेवल पर है। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, 27915 है वो। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा जो रिजर्व है वो कितना है, तो आप देख सकते हैं 1991 में 1.2 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर करीब 362 बिलियन डॉलर हो गया है। आगे बढ़िए, सोने की वैल्यू देखें, अगर 3466 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना था उस वक्त, जो आज करीब करीब 10 गुना 31,000 रुपए के आसपास है। चांदी देखें तो उसका भी यही हाल है, 1991 में 6646 था, 46,000 के आसपास है। क्रूड देखें, क्रूड में हालांकि 1991 में कुछ गल्फ वॉर जैसे हालात शुरू हुए थे जिसकी वजह से क्रूड के दाम एकदम से भागे थे, तो क्रूड उस वक्त 40 के आसपास था, आज 46 के आसपास है। बीच में क्रूड 100 से ऊपर भी गया था, अगर आपको याद हो, 2-3 साल 4 साल पहले। अगर आप देखें रुपया, तो रुपए की वैल्यू उस वक्त प्रति डॉलर 22-23 के आसपास थी, जो आज 67 के ऊपर है।
तो ये कुछ कंपैरिजन है जो आपको बताते हैं, बता रहे हैं हम कि आखिर 1991 से लेकर आज हम कितना आगे बढ़े हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, 25 सालों में हिंदुस्तान कितना बदला, इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। और आज हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो कहीं ना कहीं इन 25 सालों के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त देवेंद्र शर्मा है, सीनियर इकोनॉमिस्ट है। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है बीजेपी से, अभय दुबे हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ एक खास मेहमान गुरुचरण दास जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, ऑथर एंड कमेंटेटर है, इंडिया अनबाउंड उनकी बहुत अच्छी बुक है, उसके बारे में भी बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि 1991 से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। और देवेंद्र शर्मा, पहला कमेंट सर मैं आपसे लूंगा, 1991 24 जुलाई 1991 जब मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया था, और उसके बाद माना गया कि उस बजट ने भारत की आर्थिक किस्मत को बिल्कुल बदल के रख दिया, और आज हम जहां खड़े हैं उसमें उस बजट का बहुत हाथ है। सर, आपको क्या लगता है 25 सालों में कितना बदल गए हम? देखिए, 25 साल में जो आपने बताया है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब शुरू हुए थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जो पहले सिस्टम था इकोनॉमिक रिफॉर्म से, वो मुझे भी कभी समझ नहीं आता था जब मैं स्टूडेंट भी होता था कि ये क्यों हो रहा है देश में, कि भाई जब हम बाहर से आते हैं, बाहर से किसी बाहर के विदेश से आते हैं तो कस्टम के जब पार करना होता है तो हमारे को इस तरीके से देखा जाता है कि सभी चोर हों, तो ये क्यों थी ये सोच हमारे देश में, ये कभी समझ नहीं आया। लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाद में आए हैं वो लिबरलाइजेशन की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके का लिबरलाइजेशन आज हमारे देश में है, मैं दैट वाज नॉट माय आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन। कारण ये है, जो आपने एक सवाल पूछा था कि पिछले 25 साल में असली जो चीज़ है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए नौकरियों में, वो नौकरियाँ कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है आज कि अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर आज हमारे देश में चौकीदार हैं, घर के बाहर जो गार्ड्स हैं वो हैं, या दूसरे लिफ्ट के जो बटन दबाते हैं लड़के वो हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा सोचना होगा कि क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव था हमारा। और ये मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि खेती का जो सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिन लीजिए अगर आप सारा, तो उसमें क्या कारण है कि पिछले 20 साल में, हम 25 साल तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन 20 साल में 3 लाख से ऊपर आत्महत्याएं हो गई हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। तो देवेंद्र शर्मा, जब आप 20 या 25 सालों की बात करते हैं तो आप किसी भी पार्टी की सरकार हो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं, मतलब बदला तो है हिंदुस्तान लेकिन सेक्टर वाइज बदला है, अगर देखें एक होलिस्टिक व्यू लें तो बहुत कुछ नहीं किया गया, ये कह रहे हैं आप? जी, ठीक है। और यही एक कारण है कि आज हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आए थे, बहुत से जो उस समय जो पॉलिसी मेकर से उनका कहना है कि हमने आईएमएफ से ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ही प्रिस्क्रिप्शन को आगे लेके चले हैं, देश में क्या रियलिटीज है इसकी तरफ नहीं देखा गया। जो आपने कहा है कि भाई जीडीपी कितनी होनी चाहिए, फॉरन एक्सचेंज कितना होना चाहिए, यही एक इंडिकेटर्स रखे गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन असली जो ग्रोथ है वो, जैसे आपने पहले पूछा था कि वो क्या ट्रांसलेट हुई है उस देश को जिसको जरूरत थी, वो सवाल जो है कहीं भी आज डिस्कस नहीं किया जा रहा है देश में अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा था। ठीक है, मेरे साथ गुरुचरण दास जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन अभय दुबे, जो बात देवेंद्र शर्मा ने उठाई है उस पर आप दोनों का एक जवाब ले लेते हैं। अभय दुबे, क्या लगता है, देवेंद्र शर्मा का कहना है कि लास्ट मैन तक जो चीज पहुंचनी चाहिए थी उसको ट्रांसमिट करने में कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम आज बीजेपी कांग्रेस ना करें, हम आज देख लें किसी भी पार्टी, क्योंकि आप भी सरकार में रहे इन 25 सालों में, वो भी सरकार में रहे, आप कुछ ज्यादा रहे वो कुछ कम रहे, उस लास्ट मैन तक जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया, अगर देखें जमीनी हकीकत के तौर पर, तो लगता है क्या कि 25 सालों में उपलब्धियां तो बहुत रही हैं और इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन कमियां भी रही हैं? देखिए गौरव जी, पहले हमको ऐतिहासिक संदर्भों में यह समझना होगा कि लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बुनियाद किन परिस्थितियों में देश में रखी गई। आपने बिल्कुल ठीक स्टार्ट किया कि 2-3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व था और जो लिक्विडिटी क्राइसिस थे 1991 में, उसके बुनियादी जो कारण थे, एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो था ही था, लेकिन सोवियत यूनियन का कोलैप्स भी था और गल्फ वार भी था। ऐसी परिस्थितियों में हमको ट्रेड के लिबरलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट पर काम करना ही था, और पहले 3-4 सालों में ही उसके बहुत बेहतर परिणाम हमको देखने को मिले। हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी 13% से ग्रो किया ओवरऑल, अगर 17 सालों का हम हिसाब देखें 2008 तक, क्योंकि 2007-08 के बाद की मैं एक अलग व्याख्या रखूंगा आपके सामने, ठीक है, तब अगर आप देखेंगे तो 6.6%
कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 8.1% की ग्रोथ थी, कैपिटल गुड्स में 7.4%। सर, इन आंकड़ों को थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करें, डिटेल में बात करेंगे तो ओवरऑल बात करते हैं। हाँ गौरव जी, अब जो बुनियादी सवाल हमारे सामने था कि हमको क्यों ग्रोथ रेट चाहिए थी, क्योंकि जब हमको सोशल इंक्लूजन करना होता है तो रैपिड ग्रोथ रेट की आवश्यकता होती है, और एक समय वो आया हमारे पास जब हमने इसका सही स्वरूप, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा विश्व में देश था जिसने सोशल इंक्लूजन पर काम करना उसके बाद प्रारंभ किया। तो आप देखिए जितना हिंदुस्तान ने काम किया सोशल इंक्लूजन पर, चाहे वो सोशल इंक्लूजन की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे वो मनरेगा इंक्लूजन हो, सोशल इंक्लूजन माइनॉरिटीज दलित चाहे ट्राइबल राइट्स, सबके बारे में बहुत काम हुआ है और इनका लेवल 25 साल से बहुत ऊपर आया होगा। लेकिन स्वामीनाथन अय्यर देश के जाने माने पत्रकार हैं और मेरे ख्याल से आप भी उनको पढ़ते होंगे, बहुत रेस्पेक्ट है उनकी देश में और उनकी पढ़ी उनकी लिखी हुई बातों को सब मानते हैं। उन्होंने इसी चीज पर लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 25 सालों में हमने जिस तरह से देखा इंडिया बहुत आगे आया, पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, आप बात कर लें सुविधाओं की, आप बात कर लें एयरलाइंस की, आप बात कर लें जॉब मार्केट की आप, लेकिन उन्होंने साथ में भी लिखा कि जो सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन्होंने लिखा कि जो इंडिया का हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर होना चाहिए, या इसके अलावा हम आगे और बढ़े तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो क्या उस तरह से आ पाए, उन्होंने उस पर सवाल उठाया है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपके पास आऊंगा आपसे जब, बिल्कुल आपने किया, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा सर, 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, मैं पूरा वक्त दूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, और आपने जो किया मैं नकार नहीं रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया, हम तो बात ही वहीं से कर रहे हैं जब आपकी सरकार थी, लेकिन क्या वो सब हो पाया, मेरे साथ गुरुचरण दास साहब है, मैं उनसे सवाल लूंगा फिर गोपाल कृष्ण आपके पास आऊंगा। सर 1991 में जब इंडिया के मार्केट को दुनिया के लिए खोला गया तो उस वक्त आपने भी देखा होगा एक कंपनी आई थी इंडिया में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसकी इंडिया में एंट्री हुई थी, कब तब का दौर अगर देखें तो कैसा लगता है आपको और क्या चैलेंजेस आपको दिखे उस वक्त? सर बताता हूं एक कहानी कि हम बनाते थे एक प्रोडक्ट, उसका नाम है विक्स वेपोर रब। विक्स वेपोर रब 1980s में, 19 एक साल था मेरा ख्याल है, मुझे पक्का नहीं याद, शायद 78 79, नहीं शायद अर्ली 81 में शायद था, कि बहुत ज़बरदस्त देश में फ्लू हुई थी, सर्दी जुकाम, और ये फ्लू वेव जो हुई थी उसकी वजह से बहुत इसकी बिक्री बहुत बड़ी थी, तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमने जो कैपेसिटी थी ना लाइसेंस्ड कैपेसिटी वो हमने पार कर ली। तो मतलब हमने जो उस ज़माने में जो कानून था वो था कि आप इतना ही बना सकते हो, उससे ऊपर नहीं बना सकते। हाँ। मतलब फैक्ट्री को बताया था कि इतने टन विक्स वेपर अब साल में बन सकता है, तो अगर एक्सीड कर लो तो मतलब आप इल्लीगल, आप कानून को, आपने कानून को तोड़ दिया। तो भाई हम तो बहुत डर गए कि हमें जब कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि आपने कानून तोड़ दिया है तो उसका मतलब जेल भी जा सकते थे। तो मैंने कहा, उसने कहा भी क्या करें हम, तो हमने लॉयर्स वगैरह को कंसल्ट किया और मैंने कहा कि अगर देश किसी को सजा देगा प्रोडक्शन करने के लिए वो देश वाकई ही पागल है और जेल कोई नहीं जाएगा। यही देश में जो गांधी नेहरू जेल में गए थे आज़ादी के लिए, अब प्रोडक्शन बनाने बढ़ाने के लिए जेल जाना तो पागलपना है ना। तो मैं ये अब ऐसी बात अब कभी नहीं हो सकती क्योंकि 1991 सर, आपकी बात का मतलब समझ में आ रहा है मुझे, वो लाइसेंस राज जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं को अबॉलिश कर दिया। बिल्कुल, वो लाइसेंस राज जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन आज भी कहा जाता है कि कुछ चीजों में बैकडोर से लाइसेंस राज आज भी है। गोपाल कृष्ण साहब, आप इस वक्त सरकार में हैं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी आप सरकार में थे, आपका भी योगदान रहा है इन 25 सालों में, लेकिन लगता है आपको कि 25 सालों में जो कुछ किया गया उतना काफी है या बहुत कुछ किया जा सकता था?
देखिए बहुत कुछ और जिस तरफ इशारा गुरुचरण दास साहब बहुत कुछ किया जाना बाकी है, कर भी रहे। एक दो बात हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सबने बोला, इसलिए मैं छोटी सी बात जरूर कहूंगा। 1991 में जो बिग बैंग रिफॉर्म हुए उसको सब स्वागत करते हैं, कांग्रेस उसका क्रेडिट लेती है, तो इस बात का भी उसको डिवेल्यूएशन होना चाहिए कि वो उस स्थिति में हम ऐसी खराब स्थिति में आए क्यों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज में फॉल्टी थी जिसके कारण हम इस बुरी स्थिति में 1991 में पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात, जब हम उनको स्वागत करते हैं 1991 में नरसिम्हा राव ने बिग बैंग रिफॉर्म लाए और बहुत देश को आगे बढ़ाया, लेकिन उसको आज कांग्रेस खुद डिसओन करती है, उसको छोड़ दीजिए। सेकेंड फेज क्या होता है जब नहीं, छोड़ क्यों दीजिए, नहीं एक बार नहीं फिर भी बात करेंगे। मैं एक तीसरी बात भी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम जा रहे हैं, तो जब रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद रिफॉर्म्स से रिसोर्स जनरेटर होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके बाद फोर्थ फेज आता है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें लास्ट माइल तक जाए, जिसकी बात अभी देवेंद्र शर्मा जी ने कही, और उसमें करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस ने उसके अंदर लार्ज स्केल करप्शन करके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो इंक्लूजन होना चाहिए था, जमीन के आम आदमी को रूरल एरियाज में सब जगह होना चाहिए था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भ्रष्टाचार इतना बुरी तरह से फैलाया कि आज वो रिफॉर्म से वो एक्सक्लूड हो गए। तो यह जो आज यूपीए सरकार 25 साल के ये जो रिफॉर्म की क्रेडिट लेते हैं, तो इन दो बात पे, इन तीनों चारों बातों पे जवाब देना चाहिए। दुबे जवाब दीजिए, एक नरसिम्हा राव को डिसओन क्यों कर रहे हैं, एक इन्होंने क्यों वो स्थिति लाई, और एक इन्होंने भ्रष्टाचार से फैला के इंक्लूजन जो जरूरी थी उसका क्या किया। बहुत अच्छे तरीके से बोले, जवाब जवाब दीजिए दुबे, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए गौरव जी, आपने चूंकि कहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं करनी, मगर नहीं, ये इकोनॉमिक दृष्टिकोण से रहे हैं, मैं लोगों को उठा कर देख लीजिए, सुन लीजिए सर, लेकिन अरे आप देश सुन में तो लीजिए प्लीज, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया, अच्छा जवाब जवाब मैंने इंटरव्यू नहीं किया, सुन लीजिए गौरव जी। हाँ बोलिए 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 गौरव जी, सुन लीजिए, इनको कहिए सुनिए जी, जब जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही थी आपको जानकर आश्चर्य होगा। मुझे आज तक 6 अप्रैल का वो दिन याद है जब पूरे देश में बड़ी रैलियां की WTO के खिलाफ, ट्रेड के खिलाफ, और ये कहा कि सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि ये हम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे थे तब इनके गुरुमूर्ति जी, इनके मुरली मनोहर जी इकोनॉमिक सीन को की व्याख्या कर रहे थे कि ये एक आर्थिक अपराध इस देश के साथ किया जा रहा है, कह रहे थे दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आ जाएगी, आपने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का विरोध किया, आपने FDI का विरोध किया, आपने पब्लिक सेक्टर इक्विटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध किया, लेकिन 1998 में जब आप आए, सुन लीजिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पूरी तरह सुन लीजिए धैर्य पूर्वक, जब 1991 मैं अन्यथा आपको बोलने नहीं दूंगा, आप अग्रवाल साहब धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं डिबेट को अदरवाइज आपको बोलने नहीं दूंगा, आप सुनिए, जब 98 में आप सरकार में आए तो एग्रेसिवली रिफॉर्म्स को लागू किया, 2004 में फिर जैसे ही सरकार के बाहर गौरव जी हुए तो जब सरकार के बाहर हुए अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर टेलीकॉम में FDI का विरोध करने लगे, इंश्योरेंस की आप अजय जी बात प्रश्न क्या है जवाब, अरे ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने गेट से लेकर न्यूक्लियर डील तक जब रिफॉर्म की बात की, मनरेगा पर नहीं नहीं, अबे दुबे, अबे दुबे, एक मिनट गोपाल कृष्ण लिखा, DBT पर पत्र लिखा, अबे दुबे साहब, जितने रिफॉर्म इस देश ने किए हैं, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, एक सोशल इंक्लूजन, अबे दुबे सुनिए ना, अबे दुबे, आप जो गिना रहे हैं मैं मानता हूँ आपकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, गोपाल कृष्ण भी मानते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि 91 की स्थिति आई क्यों, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है सर, नहीं सुनिए सर, सर सुनिए ना, हाँ मैंने तो पहले ही बताया कि एक तो सर सुनिए ना, अबे दुबे, अबे दुबे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स था, हाँ अबे दुबे सुनिए ना, वो ठीक है आप गिनाइएगा, लेकिन अबे दुबे यूपीए 10 साल शासन करके गया इस देश पर, यूपीए 1 में बहुत सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं गिनाने के लिए, लेकिन यूपीए 2 ने इस देश को बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई हैं, कांग्रेस के ऊपर ऐसे धब्बे लगे हैं जो आपको, जो आपके लिए जिंदगी भर आपका पीछा करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करें, 2G बिल्कुल गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी बात मानते हैं आपके, नहीं मानते जो गरीब लोग देश में पीछे खींचने की कोशिश किए, हाँ और कोलगेट का सत्य सुन लीजिए गौरव जी, आपने प्रश्न उठाया तो
कोलगेट में सबसे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि इसका ऑक्शन होना चाहिए। वसुंधरा राजे जी का पत्र मेरे पास है, रमन जी का पत्र मेरे पास है, क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट सरकार 1957 का सेक्शन 5 ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट। अरे सुन लीजिए, पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए। उन दोनों ने कहा सरकार आपकी थी, आप ऑक्शन नहीं कर सकते क्योंकि लीज राज्य सरकारों का अधिकार है, एक्ट को अमेंड किए बगैर आप ऑक्शन नहीं कर सकते। और यही परिस्थितियां देख लीजिए एंड यूजर्स को, सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर इस बात को माना कि नेचुरल रिसोर्सेस को ऑक्शन करने की अपेक्षा, क्योंकि इसका बर्डन एंड यूजर्स पर आएगा। तो हमने जब भी इस देश, अरे सर सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे ब्लॉक्स रद्द कर दिए, आप क्या बात कर रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे ब्लॉक्स रद्द कर दिए, नाम फैलाकर आपके सारे में जितने वाला ब्लॉक का आवंटन हुआ। लेकिन चलिए वो बात नहीं कर रहे, वो बात नहीं कर रहे हम, वो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। अबे दुबे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम एक बात को लेकर नहीं बैठ रहे। अबे दुबे मेरा कहने का मतलब बस ये था कि आपके पास उपलब्धियां हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको शायद आज पछताना पड़ रहा है या हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके डिमेरिट रहा है। नहीं मैं आ रहा हूं अबे दुबे मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करनी है। सर मैं आता हूं आपके पास, अबे दुबे देवेंद्र शर्मा मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र शर्मा हम पॉलिटिकल लाइन ले तो बीजेपी की अपनी उपलब्धियां हो सकती हैं और कांग्रेस की अपनी उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन ये एक सवाल जो आपने बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े एक शख्स का उठाया था उसकी अगर हम लाइन लें सर, तो आपको लगता है उसके लिए कुछ उपलब्धि आई नहीं 25 साल में, या कुछ है जो आया है और कुछ किया जाना चाहिए? देखिए जब मनमोहन सिंह साहब ने अपना हिस्टोरिक बजट स्पीच दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इंडस्ट्री के लिए जो भी उन्होंने किया उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी, और क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है मैं इसलिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स उस तरफ ध्यान देंगी, एंड ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड एग्रीकल्चर। नाउ ही फॉरगॉट टू से कि इंडस्ट्री ऑल्सो इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखिए बड़ा विचित्र डेवलपमेंट वहां पर होगी थी क्योंकि आपको बेसिकली एग्रीकल्चर में पहले रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, इंडस्ट्री में बाद में, दुनिया भर में ऐसा हुआ था। पर एनीवे आप शॉर्टकट में थे क्योंकि आपके ऊपर आईएमएफ का दबाव होगा। लेकिन आज भी मैंने आपसे कहा कि अगर 20 साल में 300,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस देश में तो इसका मतलब स्पष्ट है। अगर आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि 17 स्टेट्स में किसानों की एवरेज इनकम 20,000 रुपए है साल की, तो मुझे बताइए किस कौन से गरीब जो अंतिम जो शोर पे खड़ा है आदमी उसको हमने टच किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये डिस्कनेक्ट है वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जिन चीजों को हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज नहीं, तो क्या अभी भी आपको दिखता है वो पॉलिसी से गायब, अभी भी आपको क्या वो चीजें पॉलिसी से गायब दिखती हैं, या आप लगता है कि सरकारें उस तरफ ध्यान दे रही हैं? मेरा मानना है कि उनको शायद वो नजर ही नहीं आ रहा कि वो चीज जो है अंतिम आदमी तक जाना चाहिए। और ये मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहना चाहता हूँ आप देख लीजिए। आप जी देखिए, आप पिछले साल 130,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और आप पिछले 12 साल में देख लें तो 1,50,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं। जॉब्स कहाँ गए? जब जीडीपी 3% थी तो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2% था, जब जीडीपी 7% हो जाती है तो एनुअल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1% हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू जॉब्स। चलिए ये बात पहले मैं गोपाल कृष्ण से जवाब लूंगा, फिर आप सब जवाब लूंगा। पहले गौरव जी, मैं आ रहा हूं गौरव जी एक जवाब मैं दे दूं पहले। नहीं नहीं शर्मा जी का। अच्छा जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ देखिए, मैं देवेंद्र जी से किसी हद तक सहमत हो सकता हूँ, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मगर 265 मिलियन टन का फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है, और हम एग्रीकल्चर सेंसेस को देखें तो हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि 200% हमने एमएसपी हमारे सरकार के दौरान बढ़ाया और अभी भी आवश्यकता है। जहाँ तक उन्होंने जॉब्स एम्प्लॉयमेंट की बात की तो उनको बता दूं कि जो छोटे एस्टेब्लिशमेंट हैं वो सिक्स इकोनॉमिक सेंसेस को अगर पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि 5.8 करोड़ छोटे एस्टेब्लिशमेंट में 12 करोड़ व्यवसाय बीते 10 सालों में हम लोगों ने पैदा किए उनके अलावा, तो इसलिए सीधे से नकारा नहीं जा सकता। हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो सर यहाँ पर अगर आप ये मानते हैं तो आप मानते हैं कि आपने काम नहीं किया। हमने सर अगर आप ये मान रहे हैं कि काम करने की आवश्यकता है, मतलब आपके पास मौका नहीं कर पाए काम। 265 मिलियन नहीं सर, आप हो चाहे कोई हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब आप ये मानते हैं कि बहुत कुछ किया जाना है या बहुत किया जा सकता था, तो इसका दूसरा मतलब ही यही है। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कि मोदी सरकार उस दिशा में आगे काम नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, गोपाल कृष्ण आप जवाब दीजिए। अब ग्रोथ आपकी 7.6 है, लेकिन जॉब कितनी क्रिएट कर रहे हैं सर आप?
देखिए, अगर जॉब क्रिएशन जरूर एक बहुत आवश्यक क्षेत्र है जहाँ पे करना है, लेकिन आप समझिए कि अगर हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनियों की नौकरी पे ही केवल डिपेंड करेंगे तो एक सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंस नहीं हो सकती, वहाँ की एक लिमिटेशंस है। हमें जो हमारा फोकस है, मोदी सरकार का फोकस है, वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ है, और उसमें एक थोड़ा सा टाइम लैग होता है। आप देखिए, हमने जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने के लिए। गोपाल कृष्ण, देखिए गोपाल कृष्ण साहब, 1999 से 2004 आपने 5 साल तो अटल जी रहे, और उस समय भी आप यही कह रहे थे कि हम सरकारी नौकरियों पर निर्भरता खत्म करेंगे। आज 2016 में बैठे हैं, तब भी आप यही कह रहे हैं निर्भरता खत्म कब होगी सर, कब एंटरप्रेन्योरशिप आएगी इस देश में? देखिए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप तो एक केवल क्रेडिट पुश से नहीं होता। आप एक अगर हम कह दें, जो मैंने एक सेक्टर बताया कि क्रेडिट पुश का एक तरीका है, क्रेडिट पुश से कैपिटल अवेलेबिलिटी की है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, दूसरी तरफ उसका डिमांड क्रिएशन भी चाहिए। और डिमांड क्रिएशन के लिए जो दो साल जो खराब मानसून हुआ था उसने रूरल सेक्टर की डिमांड क्रिएशन को खराब किया, वो अच्छा नहीं था, इस बार अच्छा होना चाहिए। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सर, ये थोड़ा साइकिल है। नहीं देखिए, मैं इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 65 साल बाद आज भी हम मानसून पर निर्भर हैं। नहीं सर, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास तो दो नहीं, हमारे बात नहीं, मैं सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा बैठे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा तरीके से समझते हैं। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि एक तो एक निष्पक्षता और एक पारदर्शिता से बात करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जरूरी है, लेकिन और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। देवेंद्र शर्मा, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गुरुचरण दास, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। गुरु देवेंद्र शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गुरुचरण दास हमारे साथ हैं और उनसे भी एक पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत बड़े लेखक हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा इन्होंने। गुरुचरण साहब, तब और अब में 25 साल का अंतर है, जब 1991 में मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव थे सरकार में और आज मोदी सरकार है, तब से अब तक आपने इंडिया को किस तरह से बदलते देखा है सर? और सबसे क्रांतिकारी चीज जो आपको लगा कि जिसने बिल्कुल 25 सालों में एकदम बदलाव ला दिया, आपको क्या लगी है जिसने इंडिया को यहां तक पहुंचाने में मदद की है सर? गुरुचरण दास बिल, देखिए जो अब आपका कैमरा जो आगे है, ये न्यूज चैनल है, अब 1991 के पहले एक न्यूज़ चैनल होती थी, वो भी 1985 के पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी, कलर नहीं थी। अब 1000 चैनल्स हैं, 500 के ऊपर चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं 24/7, सब लैंग्वेजेस, सब भाषाओं में। तो ऐसा जो एंटरटेनमेंट है, सबसे गरीब लोग भी घर में भी टीवी है और ये चैनल्स आ सकते हैं उनके घर में। अब देखिए कि ये जैसा जितना एंटरटेनमेंट हम अभी गरीब बंदे को मिल सकता है, गरीब जन को मिल सकता है, वो एक राजा को नहीं मिल सकता था पहले। तो कैसा बदल गया उसका माहौल। नहीं सर, लेकिन अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखें, आपकी बात मैं मानता हूं और ये वाकई बहुत तेजी से ये फील्ड आगे बढ़ा है, लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव में इस बात को देखें तो आज कई इंडियन कंपनियां हैं जो फॉरेन कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं, इंडियन कंपनियों के कई देशों में ऑपरेशन है। तो तब क्या आपने सोचा था कि भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा दौर आएगा? ये पूरा ये फ्री मार्केट का खेल है। जो आर्थिक आजादी की बात कर रहा था मैं, आज़ादी होती है आपको अगर आप जाते हैं बाज़ार में, कमीज़ कैसी कमीज़ खरीद सकते हैं, ऐसी कमीज़ खरीदिए जो चाहे ऐसी कमीज़ भी खरीद लेते हैं, तो ये फ्रीडम है, आज़ादी है। तो वैसे भी मार्केट में कंपनियां हैं तो उनको भी अलाउड है खरीदना, एक दूसरे को खरीद सकते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट फ्रीडम। सो ये एक किस्म का वो माहौल है, और इनसे ये खरीदने और बेचने और ख़रीदने में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये अच्छी चीज़ है। कोई ख़ास परिधि नहीं, कई मर्जर्स अच्छे नहीं होते, मतलब कई प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, पर ये जो फ्रीडम ले जाना, अलाउ नहीं करना, वो गलत बात होगी। ओके बड़ी बात कह रहे हैं आप सब। देवेंद्र शर्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं। देवेंद्र शर्मा साहब, आप गुरुचरण दास साहब की बात को कैसे देखते हैं आप?
देखिए मैं इससे थोड़ा हटके देखना चाहता हूं कि जो आपने गोपाल जी ने पहले कहा कि डिमांड जो क्रिएट होगी तब जाके ग्रोथ होती है। देखिए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ना तो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है हमारा, ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सारे का सारा जो है जो ब्लेम है वो डिमांड पे है। अगर सातवां पे कमीशन जो है आने से ये कहा जाता है कि इससे बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, तो आप सोचिए जरा कि अगर पाँचवा छठा और सातवां वेतन आयोग ना आता तो क्या हमारी देश की इकोनॉमी वहीं स्थिर हो गई थी? इसका मतलब है कि क्या हमारी देश की इकोनॉमी सिर्फ ही मनरेगा और सातवें वेतन आयोग पे टिकी हुई है? कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम एक तबके की सिर्फ इनकम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वो इकोनॉमी जो है वो साइकिल में रहे। इसका मतलब साफ है कि हम देश को बाकी नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ हमें वही दिखाने का मतलब है। क्योंकि एक सातवां पे कमीशन दो, छठा पे कमीशन दो, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको डीए देते जाइए हर बार, और चाहे देश की इकोनॉमी का हाल जवाब देते हैं। मेरे साथ इस वक्त हीरानंद अंदानी जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड एमडी हीरानंद अंदानी कंस्ट्रक्शंस के, तो जो 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 इंडस्ट्री की तरफ से भी वो अपना व्यू रखेंगे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए गोपाल। मैं एक छोटी सी बात देवेंद्र जी आपकी बात से मैं वाकिफ रख के एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब डिमांड क्रिएशन की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि हमारा फोकस रूरल सेक्टर से डिमांड क्रिएशन का है। मॉनसून आएगा, रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी, और अल्टीमेटली इस बार का बजट पूरा फोकस हमने कोशिश ये की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल एरिया को रिवाइव करे। और जब तक ये जो चाहे रोड है, कंस्ट्रक्शन का ये जो वो सारा है कि इरीगेशन कैनाल्स वगैरह, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फोकस रूरल में, जो भी आप स्टैंड अप इंडिया का भी जो है लोन्स देने, वो विमेन एंड दलित और एक एक बैंक के ब्रांच में 1,25,000 बैंक ब्रांचेस को दो दो लोन देने, तो फोकस बिल्कुल वही है कि रूरल एरिया से डिमांड क्रिएशन होनी चाहिए। कि डिमांड नहीं है, यही तो रघुराम राजन जी भी कह रहे थे कि डिमांड नहीं है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम हो रही है, फिर ये ग्रोथ रेट का डाटा कैसा है आपके पास, ये तो बताइए। चलिए इसी सवाल को पूछते हैं कॉर्पोरेट के कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जो निरंजन हीरानंद अंदानी, इसी सवाल को उनसे लेके जाते हैं। निरंजन हीरानंद अंदानी साहब, आपने 1991 का भी दौर देखा होगा जब भारत एक संकट के दौर में था और जब वहां से उभर कर आया और उदारीकरण का रास्ता खुला, और आज जब हम 2016 में बैठकर इस पर बात कर रहे हैं, 25 साल हो चुके हैं इस बात को, सर क्या लगता है आपको कि हम कितना आगे बढ़े हैं? और जो बात यहां पर अभी आपने सुना होगा अभय दुबे जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं कह रहे हैं कि ग्रोथ कहां है, तो वो ग्रोथ सर आपको दिखती है कि रियल वाकई रियल टर्म में वो ग्रोथ ट्रांसमिट हुई है लोगों तक? मेरे अंदाज से जो प्लानिंग अभी शुरुआत हुई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग बन गई है, हम देखें कि मुंबई शहर में देखें 5 मेजर प्रोजेक्ट शुरुआत हो रहे हैं, क्रॉस हार्बर ब्रिज, नवी मुंबई एयरपोर्ट, क्रॉस कोस्टल रोड, मेट्रो स्टेशंस और पिंजल रिवर प्रोजेक्ट। ये 5 प्रोजेक्ट एक साथ में शुरुआत इस साल में हो जाएंगे। जरूर बात ये है कि लास्ट 18 महीने लगे हैं सब परमिशन लेने के लिए, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइज है वो 50 साल से अब तक इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई रीजन में कभी बनी ही नहीं। आप देखें तो लास्ट होगा 15-20 साल पहले जहां फ्लाईओवर्स ऑफ मुंबई और मुंबई पुणे रोड बनी थी, तब हमें ये देखा था। आज की तारीख में इसकी जो डाउनस्ट्रीम बेनिफिट्स मिलेगी वो नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर जरूर मिल जाएगी, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम बेनिफिट्स जो हैं वो 1-2 साल के अंदर दिखेगी। हम उम्मीद रखते थे कि ये जल्दी दिख लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हो गई है वो लेट रहा है। नहीं तो आपको आपका मतलब ये निकाले कि हमको जो चीजें बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, आप जो मुंबई का एग्जांपल दे रहे हैं, अगर पूरे देश का भी एग्जांपल ले तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो 25 साल में बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी उनमें देर हो गई, और चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिम्मेदार कोई हर कोई है जी। मेरे अंदाज से यही हुआ है। ओके, आपके अंदाज से यही हुआ है, और आपके अंदाज से सर और क्या होना चाहिए था 25 साल में जो नहीं कर पाए हम, क्या मिस कर गए सर हम? मेन मुख्य क्या था इसमें, दो बात थी। जैसे आप देखिए हाउसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जब भी ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान छोड़ के गए 1947 में, तब एक भी अनऑथराइज्ड घर मुंबई में नहीं था, नॉट सिंगल वन, एक भी घर अनऑथराइज मुंबई में नहीं था।
आज की तारीख में लगभग 60% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो मेरे अंदाज से ये सब जो मकाने बने हैं वो अनऑथराइज की बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम समझ सकते हैं कि 10% 20% जरूर अनऑथराइज बनेगी क्योंकि माइग्रेशन गलत हो रही है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं मुंबई में उनको जो घर जिस साइज के हम घर देना चाहते हैं वो हम बना सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हम बनाए नहीं और इस कारण लोगों को झोपड़पट्टी में ही रहना पड़ा है। तो मेरे अंदाज से काफी एक क्षेत्र में रहा है कोई भी सरकार हो, लेकिन जो घर की बात है वो मुंबई शहर में नहीं हुआ है। मेरे अंदाज से ये बहुत ही बड़ी खामी रही है हमारे प्लानिंग में, हमारे इंडस्ट्री की और, तरफ और से इस बात को और बड़ा करें, इस बात को और बड़ा करें। मैं चाहूंगा कि मैं अभय दुबे आपसे इस बात का जवाब लूं, तो इस बात को और बड़ा करें तो जो 25 सालों में विकास के साथ साथ इंडिया और भारत का गैप भी बढ़ा है। अभय दुबे एक छोटा सा जवाब। हाँ नहीं देखिए गौरव जी, मैं हीरा नंदानी जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये ओवरनाइट नहीं होता। जब हमने 91 से स्टार्ट किया, हमने इस बात को अगर आलूवालिया कमेटी की रिकमेंडेशन आप देखेंगे या उसके पहले राकेश मोहन कमेटी को देखेंगे, तो अर्बनाइजेशन 55% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती थी। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन भी बीजेपी को भी गिन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे देश में कहीं कमी रह गई। गौरव जी देखिए, ये आप रातों रात एक्सपेक्ट मत कीजिए, मैं सरकारों के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। आज पहले की सरकार और अभी की सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। नहीं तो 60 साल में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेरे पास है, कॉलोनियल रूल में क्या हमको मिला था वो बता दूं, कोई देश इतना अग्रगामी विचारधारा के साथ अग्रणी भूमिका नहीं ले सकता था। मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि इस देश के नागरिकों की जापान का उदाहरण है सर हमारे सामने, आगे बढ़े सर जापान समूचे विश्व की कितने सालों में उसने अपने आप को खड़ा किया, कितनी बार बर्बाद हुआ।